गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर। टुडे वी स्टडी कंटिन्यू इन फिनोल। इन प्रीवियस क्लासेस यू आल्सो सी द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। टुडे वी आल्सो स्टडी द अदर रिमेनिंग मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। इन दिस मेथड already you see the laboratory methods and also see the industrial methods. Continue in industrial methods, last reaction is comes, that is Dow process, that is Dow process very important because it is also name reaction, so it is also important. In previous you see Rasing process आपने देखा था, और Rasing process में you can see benzene से किसका formation हो रहा था, benzene से one step में formation हुआ था, there will be chlorobenzene, कौन बना था, that is called chlorobenzene. Okay, chlorobenzene is also used in Dow process. Dow process में किसको use करना है, chlorobenzene को आपको use करना है। ये कहाँ से आ रहा है, that comes from Rasing process. Rasing process में जो chlorobenzene बना था उसका use कौन से process में किया गया है, Dow process में use किया गया है। What will be the process of this? First of all, you will be see it's a chemical reaction. Okay, chemical reaction क्या होगी, product का formation क्या होगा, तो starting material आप क्या use करेंगे भाई, that will be chlorobenzene. क्या होगा, chlorobenzene कहाँ से आता है, ये जो chlorobenzene अपन ने बनाया कौन से process से बनता है, लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था रासिंग प्रोसेस, उस रासिंग प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब ये क्लोरोबेंजीन से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। ओके, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दैट विल बी फिनोल। हाउ विल वी गेट remove of Cl and addition of OH, very easily you can get, forget to Cl and formation of OH, what will be used, very easy, that is sodium hydroxide and base, क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे, कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट विल बी मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl रिमूव हो रहा है, एडिशन किसका हो जाएगा, OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। आल्सो यूज हियर टेम्परेचर एंड अदर आल्सो रेजेंट, दैट इज कॉल्ड क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 आल्सो यूज, दैट इज कॉल्ड क्यूप्रिक क्लोराइड, एंड मोस्टली यूज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर केल्विन एंड दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यूज बिकॉज बेस एंड कैटलिस्ट UCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड रिएक्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रेशर, दैट इज प्रेशर एंड दैट इज टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी स्टेप बाई स्टेप वाट विल बी द प्रोसेस ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इट्स प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टेप फर्स्ट, वेरी इजीली यू कैन गेन फिनोल मेन प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सी द प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन कम्स फ्रॉम रासिंग प्रोसेस एंड
in the presence of sodium hydroxide, it reacts and formation of सोडियम फिनोक्साइड किसका फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम फिनोक्साइड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड एंड इन नेक्स्ट इट आल्सो रिएक्ट ऑन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल मोस्टली इन acidic medium so that will be important chemical reaction according to name reaction you see Racing process is also important and Dove process is also important because same reagent used and also mostly substrate is also same in this chlorobenzene there will be also form chlorobenzene by benzene so it will be same product formation but only condition sense you can compare both type reactions chlorobenzene is comes in Racing process from benzene but directly chlorobenzene in the presence of base formation of OH group so it is difficult and also you know in Racing process cupric chloride use in also cupric chloride use so there will be difference if you first of all step first chlorobenzene in the presence of NaOH formation of sodium phenoxide and again in aqueous medium on high temperature and pressure there will be formation of phenol okay that process is called Dove process so mostly we see the complete method of preparations of phenol according to laboratory methods and also industrial methods name this that is name reactions which come in industry part first is the Racing process and second is Dove process that is very useful part for the formation of phenol in next we see some questions which comes on the basis of synthesis of reactions रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपने बनाने की विधियां पढ़ी हैं फिनोल्स में उस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं व्हाट विल बी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उस क्वेश्चन का मैं एक मॉडल शो कर रहा हूं आप देखें उसमें इस टाइप से आप क्वेश्चन को पुटअप करेंगे कंप्लीट द रिएक्शंस फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आपको मिलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस को आपको क्या करना है कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है बेंजीन बेंजीन आपको दे रखी है और इसकी केमिकल रिएक्शन के लिए आपको प्रोसेस में एरो के ऊपर दे रखे हैं ऑक्सीजन एंड आल्सो V2O5 वेरिडियम पेंटा ऑक्साइड और आपको पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट है प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको यहाँ पर करना है दूसरा सेकेंड वाले पार्ट में आप देखें बेंजीन ही आपको गिवन है ऑलरेडी बेंजीन गिवन है रेजेंट आपको लिखे हुए हैं फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर लिखा हुआ है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ O2 फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है और उसमें सब प्रोडक्ट भी आपको दे रखे हैं फर्स्ट आपको दे रखा है ए वाला पार्ट है वापस इस वाले पार्ट में ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन करा रखी है और यहाँ पर लिखा हुआ है CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मीडियम व्हाट विल बी द बी प्रोडक्ट सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा उसका भी आपको फॉर्मेशन दे रखा है इसी टाइप से थर्ड रिएक्शन भी आपको इस टाइप से गिवन है दैट विल बी use chlorobenzene and given first of all high temperature and pressure
एंड ऑल्सो गिवन स्ट्रॉन्ग बेस. गिवन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस आपको गिवन है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होगा उसका फॉर्मेशन आपको करना है. एंड ऑल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन. गिव द नेम ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का नाम भी बताना है, कौन सी रिएक्शन है ये जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको इसके ऊपर पुटअप होते हैं. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको मिलेगा हाउ ये टाइप ऑफ फर्स्ट है. इस टाइप की क्वेश्चन प्रोसेस आपको मिल सकते हैं. सेकंड वाला अपन देखें, टाइप सेकंड, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं. हाउ विल बी यू गेट फिनॉल फ्रॉम बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl medium react with cupric chloride catalyst. सेकेंड टाइप का प्रोसेस आपको मिल गए हैं. फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से आपको मिल सकते हैं. सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेस भी यूज किया जा सकता है. How will be form phenol from benzene? Chemical reaction भी आपको written part हो सकता है. Chemical reaction आप कैसे लिखेंगे, उसमें कैसे बनाओगे. तो first of all these type questions mostly comes regularly because in this type questions very easily first of all you see chemical structure, chemical reactions आप क्या लिखेंगे उस question को पढ़ें, उसमें प्रोसेस लैंग्वेज को समझें कि उसमें क्या पूछा है, क्या सब्सटेंस आपको दिया हुआ है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा. दोनों प्रोसेस आप देखें. इस क्वेश्चन में आप यू कैन सी फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, दैट मींस आपको केमिकल रिएक्शंस को सबसे पहले पुटअप करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको अननोन है. देखिए इस पार्ट में आपको बेंजीन है और बेंजीन से क्या पूछा आपको, फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा. हाउ विल बी गेट फिनॉल फ्रॉम बेंजीन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है और ऑलरेडी आपको कंपाउंड भी दिए हुए हैं, यानी रेजेंट क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट HCl मीडियम आपको ऑलरेडी दी गिवन है और क्यूप्रिक क्लोराइड भी, यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पर है डाइल्यूट HCl आपको दिया हुआ है और साथ में दैट विल बी गिवन CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड. ये सारा प्रोसेस आपको करना है. केमिकल रिएक्शंस का जो स्ट्रक्चर था वो दिस टाइप यू कैन रिप्रेजेंट. सो this type question practice continue in next classes you will be see, because in organic chemistry mostly we see the different type questions in these chemical reactions on the basis of synthesis. You can see we study now in previous classes synthesis of phenol, so these type questions may be put up on this matter. Easily you can solve this process if you know already what will be the chemical reaction. So first of all remember that reagent is necessary to identify. जो भी आपको reagent यहाँ पर लिखे हुए हैं chemical reactions में उनको identify करना पड़ेगा. जैसे इस वाले process में आप देखें benzene के ऊपर दे रखा vanadium pentoxide. Vanadium pentoxide में आपने देखा था जो reactions अपन ने पढ़ी थी, vanadium pentoxide जो है ये oxidation of phenol है और इससे क्या मिलता है, phenol का सॉरी बेंजीन का ऑक्सीडेशन होने के बाद और किसका निर्माण होता था, फिनोल का फॉर्मेशन होता था. ओके ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन वाली रिएक्शंस. इस वाले पार्ट में देखें बेंजीन है, बेंजीन से किसका फॉर्मेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट बनाएंगे और आपको याद है ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बताया था, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेंजीन से HCl से रिएक्शन कराएंगे O2 मीडियम वाले में एयर की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. इसका फॉर्मेशन है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन है. ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया भाई,
क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वाले में वापस एजेंट यूज कर रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट भी हो गया। ओके, ऐसे इसमें देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन है, नेम भी बताना है केमिकल रिएक्शन का, कौन सी केमिकल रिएक्शन है, और एक ही रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी इसमें क्लोरोबेंजीन, यानी से इसका फॉर्मेशन करना है प्रोडक्ट, यानी क्या होगा फिनोल, दैट इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस। कौन सा कहलाएगा, डाउ प्रोसेस कहलाएगा। ओके, इन दिस वी सी द रिएक्शन, यू कैन आल्सो सो, यू कैन सी दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।